मुरादाबाद आगरा पुलिस पर लगा मारपीट कर हत्या का आरोप। आगरा पुलिस के खिलाफ वाल्मीकि समाज ने किया जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। आपको बता दें कि मुरादाबाद के जिला कलेक्ट्रेट पर वाल्मीकि समाज से जुड़े दर्जनों वाल्मीकि समाज के लोगों ने अपने समाज के नेताओं के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान आगरा पुलिस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे और आगरा पुलिस के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि आगरा पुलिस ने वाल्मीकि समाज के एक युवक के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर उसके साथ मारपीट की, जिस कारण उसकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई और पुलिस ने अपने आप को बचाते हुए उसे हार्ट अटैक का नाम दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मांग की है कि इस घटना में जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही कर उन्हें बर्खास्त किया जाए और इसके साथ ही मृतक के परिवार को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर इस घटना से जुड़े दोषियों पर कार्यवाही नहीं हुई और ना ही उनकी मांगें पूरी करी गई तो वाल्मीकि धर्म समाज इससे बड़ा आंदोलन करेगा और सड़कों पर उतरेगा। साथ ही पूरे प्रकरण की CBI जांच कराने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में प्रेम बाबू वाल्मीकि, ओमीलाल वाल्मीकि, सुनील कुमार लश्करी, सत्यम राही, हीरा लाल, राजेंद्र वाल्मीकि, जे किशोर, दीपक कुमार, सतीश, अर्षद, हरिप्रसाद, प्रमोद वाल्मीकि, इंद्रेश वाल्मीकि, जसपाल वाल्मीकि, सतीश, धीरज, जय किशोर, भारी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग मौजूद रहे। सत्यपाल जी, आज एक प्रदर्शन जिला कलेक्टर पे किया जा रहा है, किस संबंध में किया जा रहा है, क्या मांगे हैं? आगरा में जो प्रकरण हुआ है अरुण वाल्मीकि के साथ, उसको पुलिस कस्टडी में बड़ी बुरी तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। उस पर 25 लाख रुपये का कम से कम झूठा इल्ज़ाम लगाया गया और वहाँ पर समस्या ये हुई थी कि अरुण वाल्मीकि ने खुद देखा था पुलिस प्रशासन को तो पैसे करने के लिए, इसलिए उसको उसे मतलब षडयंत्र में उसको फंसाया गया और उसके खिलाफ धाराएं थी और उसे पुलिस कस्टडी में उसे उसको मौत के घाट उतार दिया। इस संबंध में आपकी ओर से या वाल्मीकि किसी समाज की ओर से कोई शिकायत दर्ज कराई गई है अभी तक? सर, अभी कोई भी शिकायत नहीं प्रशासन, मतलब FIR तो हो गई है लेकिन अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ। जी, दोषी पुलिसकर्मी। तो आपका संगठन क्या मांग करता है? हम अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा की तरफ से मांग करते हैं कि पीड़ित को 1 करोड़ मुआवजा, 1 सरकारी नौकरी और प्लस उसके परिवार की सुरक्षा दी जाए। हम ये मांग करते हैं। इस संबंध में प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे हैं आज? देखिए, जब से केंद्र में भाजपा सरकार और प्रदेश में योगी सरकार बनी है तब से देश के अंदर वाल्मीकि समाज का उत्पीड़न चरम सीमा पर है। चाहे वो हरियाणा में रमन वाल्मीकि हो, चाहे अलीगढ़ का मनीषा हत्याकांड हो, मुरादाबाद के अंदर अभी संभल में बलात्कार बेटी के साथ में होता है और अब आगरा के अंदर जो है हमारे समाज को पुलिस कस्टडी में लेकर उसमें 25 लाख की चोरी का इल्ज़ाम, क्योंकि 25 लाख की रकम छोटी मोटी रकम नहीं होती और कोई साधारण सा व्यक्ति 25 लाख रुपया चोरी नहीं कर सकता, उसमें भी हमें शक की बुआ रही है क्योंकि वो काम पुलिस के द्वारा किया गया है। उसको उसने देख लिया था अरुण वाल्मीकि ने, इस कारण उसको गिरफ्तार कराया गया और उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हुई। उसको टॉर्चर, उसका प्लान इतना किया गया जिससे उसकी मौत हुई। उस राज को छिपाने के लिए उन पुलिस वालों ने उसको मौत के घाट उतार दिया। उसकी CBI जांच होनी चाहिए और उसके परिवार को एक स्थायी सफाई कर्मचारी नहीं, किसी और विभाग में, चाहे वो रेल विभाग हो, चाहे वो कोई भी केंद्र शासित विभाग हो, उसमें नौकरी मिलनी चाहिए या प्रदेश का कोई भी जो विभाग हो उसमें अच्छी नौकरी उसके परिवार को दी जानी चाहिए। 1 करोड़ रुपया उसको मुआवजा दिया जाना चाहिए उसके परिवार को, जिससे उसका परिवार जीवन यापन कर सके। तीसरी बात जो है उसके परिवार की जो सुरक्षा की गारंटी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये काम पुलिस ने किया और पुलिस उसके परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी हमारी जिला अधिकारी से के माध्यम से मुख्यमंत्री को हम ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। ये जिला अधिकारी के माध्यम से हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि उस परिवार को न्याय मिलेगा। लगभग इस घटना को कितना समय हो गया? इस घटना को ये करीबन 17 तारीख को पकड़ा था और 20 तारीख को प्रकट उत्सव वाले दिन उसकी डेथ जो है मृत घोषित कर दिया। क्या दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई या FIR दर्ज हुई है अभी तक? अभी पुलिस के खिलाफ वहाँ पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है और नाम दर्ज कर लिया गया है, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। वो इनके दामाद लगते हैं जिला प्रशासन के, आगरा के, वहाँ से दामाद लगते हैं, उनको गिरफ्तारी नहीं हो पाई है अभी उनकी।
हम उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं क्योंकि और सीबीआई जांच की मांग करते हैं, इसमें निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हैं इसमें।